ऊंची दीवारों की घुटन में गौर का आना खुली हवा जैसा था। अचानक ही प्रदीप का स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टरों ने जलवायु बदलने की सलाह दी। मैं प्रदीप को लेकर रानीखेत आ गई। कलकत्ते में मेरा एक एबॉर्शन हो चुका था। मानसिक रूप से मैं विचलित थी। पिताजी ने प्रदीप का होम्योपैथिक इलाज करना शुरू किया। पहले कुछ फायदा हुआ। प्रदीप अपने परिवार को छोड़कर उदास थे। उनका स्वास्थ्य फिर गिरने लगा। मैंने तन मन से उन्हें संभालना चाहा। डॉक्टरों को भी दिखाया। बात बात पर झल्लाना और मुझे नीचा दिखाना प्रदीप की आदत में शुमार हो गया था। घर जमाई बन जाने का बोझ उन्हें अंदर से रिक्त कर रहा था। हमने कलकत्ता लौटने का फैसला किया। प्रदीप बहुत कमजोर हो चुके थे। तार देने पर गौर हमें लेने आए। प्राकृतिक शक्लों की लकड़ियां इकट्ठा करना, उन्हें रंग रोगन से तराश कर आकृति देना मेरा शौक था। घर में मेरे संग्रह को देखकर गौर ने मुझे सराहा, कलाकार का संबोधन दिया। एक सप्ताह का रिजर्वेशन था। प्रदीप ने गौर को घुमाने का आग्रह किया। मैंने गौर को पूरा रानीखेत घुमाया। लकड़ियां जो कहीं पंछी थी, कहीं औरत, कहीं लौह पुरुष, गौर को आकर्षित करती रहीं। इस एक सप्ताह में हम दोनों और भी निकट आ गए। कलकत्ता आने के बाद डॉक्टरों ने प्रदीप को लीवर कैंसर की अंतिम स्थिति में घोषित कर दिया। घर वालों ने रानीखेत प्रवास को ही दोषी ठहराया। 2 महीने जिंदगी मौत से जूझते हुए प्रदीप ने प्राण त्याग दिए। प्रदीप ने अंतिम शब्द जो मुझसे कहे थे, आज भी मेरे लिए प्रश्न है। मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। आखिर किस दोष के लिए यह क्षमा थी? अपराधी बनकर कटघरे में खड़े रहना, बिना किए दोष की सजा भुगतना, क्षमा पाकर कृतार्थ होना, क्या यही स्त्री की नियति है? खैर, प्रदीप की मृत्यु के बाद मैं वापस रानीखेत आ गई। यह इतना आसान न था। ससुराल से निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में गौर ने मेरी सहायता की। आप समझ सकती हैं, वहां रहना मेरे लिए संभव ना था। मैं कुछ भी कर सकती थी, संसार भी छोड़ सकती थी। मेरा साहस, मेरी प्रेरणा गौर थे। गौर के कहने से ही मैं रानीखेत लौटी। रात दिन पुस्तकों का अध्ययन किया और पिता के दवाखाने में हाथ बटाने लगी। होम्योपैथिक पर मेरी पकड़ से पिताजी अचंभित थे। वह अपना वारिस मुझे मानने लगे। दीदी जीजाजी का घर में वर्चस्व था। पुराने विचारों के माँ पिताजी उनकी बातों से विचलित हो जाते। जीजाजी की पोस्टिंग रानीखेत में थी। मेरे आने से उन लोगों का घर में एकाधिकार समाप्त हो गया था। वे हमेशा मेरे दूसरे विवाह के लिए किसी विधुर या अधेड़ का प्रस्ताव लाते रहते। गौर मेरी नसों में बसे थे। गौर के पत्र भी आते रहते थे। गौर की दार्शनिक, क्रांतिकारी आदर्शों की ढेरों पुस्तकों से मैंने अपनी लाइब्रेरी सजा ली थी। मार्क्स, लेनिन, सिमन द बोवार के साथ साथ रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र को भी मैंने पढ़ डाला था। शरद के स्त्री पात्र हमारे पत्रों की बहस के विषय थे। बंगाल में जन्मे, पले बढ़े गौर को किसी और प्रदेश से जोड़ना भी अजीब सा लगता है। संगीत की रुचि उन्हें विरासत में मिली थी। रविंद्र संगीत की विधिवत शिक्षा भी उन्होंने ली थी। रविंद्र संगीत गाना और सुनना दोनों उनके जीवन के अंग थे। गौर के पत्रों में यह जिक्र भी होता कि संगीत की दुनिया में वे एक नाम बनते जा रहे हैं। शायद मेरी बात बहुत लंबी होती जा रही है। मैं चाय लाती हूँ दीदी, गोदावरी ठिठक गई। असल में यह वह गौर थे जिन्हें मैंने जिया है। शायद आज के गौर से उसका वास्ता नहीं है। तुम अपनी बात पूरी करो, मैंने टोकते हुए कहा।
मेरे एक एक पल के साक्षी थे गौर, दूर रहकर भी मैं उनकी गर्म सांसों को महसूसती थी। वह एक सप्ताह जो मैंने गौर के साथ रानीखेत में बिताया, अजीब हलचल थी। प्रदीप बिस्तर पर तन मन से क्षीण अपने परिवारजन की स्मृति में कैद, मैं कितनी अकेली थी। प्रदीप की जिद से ही मैं गौर के साथ आई थी, लेकिन सम्मोहन से एक एक वृक्ष इंद्रधनुषी होने लगा। हम पगडंडियों से धरती नापते, गौर रविंद्रनाथ की पंक्तियां गुनगुनाते। दूर बहुत दूर स्वप्नलोक में उज्जैनी पुरी में खोजने गया था कभी क्षिप्रा नदी के पार अपनी पूर्व जन्म की पहली प्रिया को। उज्जैनी अलकापुरी में रूपांतरित होती रही। अलकापुरी की शुभाकांक्षा मुझे पल्लवित करती रही थी। वही मिला मुझे एक नया नाम, चीड़वन की मेनका। चीड़ के पेड़ों के झुरमुट में लकड़ी का सुंदर टुकड़ा, स्त्री आकृति। इसके वक्ष के उभार बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, गौर ने कहा, इसे फिनिश करो। ऐसा तो नहीं मेनका स्वयं इसे छिपा गई हो? हम खिलखिला पड़े थे। और वहीं वह तप्त चुंबन, वह क्षण जैसे प्रथम स्पर्श हो। लेकिन घर लौटते ही मैं गहरे अपराध बोध से घिर गई थी। यही है वह मेनका, मैं इसे बेच न सकी। मैंने तो अलकापुरी की कामना की थी, एक टुकड़ा घर भी न मिला। गोदावरी के स्वर में गहरी निराशा थी। मैंने टेराकोट बेस पर रखी ड्रिफ्ट वुड का मुआयना किया। वह स्त्री आकृति अनुपम थी। हाथ ऊपर की ओर कुछ अलसाई सी मुद्रा, चेहरा सामान्य से अधिक झुका हुआ, दुख पिघल कर जैसे अंगों में ढल गया हो। गौर कब आएंगे? मैंने पूछा। शायद शहर से बाहर गए हैं, गोदावरी रसोई में जा चुकी थी। परिचय अपरिचय में बदलता जा रहा है, यह स्पष्ट था। चाय की चुस्कियों के बीच गोदावरी मुखर हुई। आज सब कहने का जी चाह रहा है। लंबे अरसे बाद कोई मुझे जानना चाहता है, यह सुख क्या कम है? मैं घर की अपने मन की उलझने गौर को लिखती। एक दिन गौर आए, साथ रहने का प्रस्ताव रखा। विवाह संस्था को वे हमेशा ही खारिज करते रहे थे। मैंने विवाह की जिद भी नहीं की। उनके बड़े कैनवास में यह मुझे छोटी सी बात लगी। मैं जानती थी माँ बाबूजी कभी राजी न होंगे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उन्हें कोर्ट मैरिज की झूठी तसल्ली देनी पड़ी। हम दिल्ली आ गए। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि इस घर और उस घर में कोई अंतर नहीं है। गौर के क्रांतिकारी विचारों से रोम रोम में अग्नि उठती थी, लेकिन व्यवहार में केवल राख थी। निजी विचार, निजी जीवन, निजी पन की दुहाई देकर उसने मुझे कारा दे दी। कलकत्ता में जेठानियों के बीच अपना दुख बांट लेती, मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियों की आपबीती से एक अभिन्न कड़ी बनती, अपना दुख सिमट कर गहराता नहीं। तीज त्योहार मन में उत्साह जगाते। यहाँ गौर की सतर्क निगाहें कभी कभी उसकी परछाई तक मेरा पीछा करते। मैं एक बुद्धिजीवी परंपरा में कैद होती गई, जहाँ खुलकर हंसने बोलने की छूट न थी। बिल्कुल नया अनुभव, वर्जनाओं के फोड़ों से घिरा वर्जना मुक्त समाज। मैं इसका हिस्सा न बन सकी। मुझे इंसोमेनिया, नींद न आने की शिकायत हो गई। शराब और दवा की मैं आदि हो गई। 2 वर्ष बीतते ही परिणाम सामने है। फिर भी जो क्षण मैंने गौर के साथ जिए हैं, उनका अपना महत्व है। सुख को बांध कर रखने का मोह भी क्यों? मैं गौर से बात करूं, लाभ क्या है? गोदावरी का स्वर थोड़ा ठंडा था। तुम्हें ही क्यों बार बार जाना पड़ेगा? मैं गहरे असमंजस में थी। दीदी, बहुत प्यार था गोदावरी के स्वर में। वह बड़े बुजुर्ग की तरह मुझे समझाने लगी,
पति प्रेमी ही जीवन का सत्य नहीं है, रगों में बहते माँ बाबूजी भी जीवन का सत्य हैं। मेरे पिता मेरे बिना कितने अधूरे हैं, दवा खाना संभालने वाला कोई नहीं, माँ बीमार चल रही है, एक पुरुष की सनक पूरी करने के अलावा मैं यहाँ कौन सा बड़ा काम कर रही हूँ। तुमने निर्णय ले लिया है? बाबूजी की चिट्ठी आई है, माँ बहुत बीमार हैं, मुझे जाना है, इस घर में अब मेरा जी घुटता है। अचानक वह उठ खड़ी हुई, उसकी उंगलियां स्त्री आकृति पर घूमने लगी, चेहरे पर हिंसक चमक थी, लेकिन मैं जानती हूँ, गौर को खूब समझती हूँ, वे कभी इस चीड़वन की मेनका को भूल नहीं पाएंगे। मैं इसे यहीं छोड़ जाऊंगी और यह घर मेरा घर है, इस घर में किसी दूसरी औरत का प्रवेश मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गोदावरी रानी खेत चली गई। जाने से पहले वह मुझसे मिलने आई थी, बहुत बोझिल थे वे क्षण, उनको विस्तार देना व्यर्थ है। 2 दिन पहले नीचे वाला फ्लैट खाली हो गया। फ्लैट के मालिक सुब्रमण्यम साहब ने नए किरादार को दिखाने के लिए मुझे चाबी सौंप दी है। भर निगाह घर को टटोलने का मोह हो आया। गोदावरी का घर और औरत टुकड़ों टुकड़ों में घर को भोगती है। ताला खोलते हुए एक अजीब सा एहसास हो रहा है, कहीं घर में बंद सुर पंछी बन आकाश में न उड़ जाए। दरवाजा खोलते ही अजीब सी गंध फैल गई, खाली घर की अपनी गंध। कोरे कागज सी दीवारों पर भद्दे पलस्तर उखड़े छिद्र थे। दूसरे कमरे की ओर बढ़ते ही मैं काट हो गई। दीवार से सटे कोने में चीड़वन की मेनका औंधी पड़ी थी। कमरे में अब और ठहरना मेरे लिए संभव न था। उसे हाथ में उठाए मैं बाहर आ गई। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी, इस घर उस घर। आप सभी लोगों ने इसे इतने ध्यान से सुना और मैं आप लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देख रही हूँ कि ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आई है। ये एक औरत की त्रासदी है, औरत जो टुकड़ों टुकड़ों में घर को भोगती है। ये उस कहानी भी उसी व्यथा कथा का एक अंग है, एक नए संदर्भ में। और यह कहानी पर जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आएंगी वह मेरा उत्साह वर्धन करती रहेंगी। मैं इस मंच को, जन सुलभ पुस्तकालय के मंच को और अर्पण कुमार जी को धन्यवाद दे रही हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।